हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय फ्यूजन मसाला मिक्स यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक ऐसी डिश जो कि इंडिया की बहुत ही फेमस डिश है, काबुली चना मसाला, जिसे हम छोले मसाला भी कहते हैं। छोले भटूरे तो सुना ही होगा आपने। चलिए आज छोलों का मज़ा पूरियों के साथ लेते हैं, भटूरे किसी और दिन बनाएंगे। और स्क्रीन पर आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं जो कि हमें चना मसाला बनाने में लगेगा। सबसे पहले हमें काबुली चना लेना है, उसे हमें अच्छे से धोकर उसे 5 से 6 घंटों के लिए भिगोकर रख देना है। 5 से 6 घंटों के बाद हमारे चने तैयार हो जाएंगे बनने के लिए। और ये है वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें यूज़ होने वाले हैं हमारे चने बनाने में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक कुकर लिया है जिसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, और हमारा ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस, और हम अपनी अनियन को इतना भूनेंगे कि वो हल्का सा अपना कलर चेंज कर दे, मतलब गुलाबी हो जाए। गुलाबी होने तक हम उसे भून लेंगे। और जब ये भून जाएंगी, देखिए फ़िलहाल हमारे कलर चेंज हो गए, जी बिल्कुल हमें यही कलर चाहिए। जब ये भून जाएंगे तो हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें कम से कम 3 से 5 मिनट तक भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। भुने हुए मसालों का अपना ही एक टेस्ट होता है, इसलिए जब भी आपको इस तरीके की चीज़ पकाएं तो अच्छे से अपने मसालों को भूनें, आप खुद ही उसमें डिफरेंस देखेंगी। और ये देखिए हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटर, और टमाटर ऐड करने के साथ ही हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, छोले मसाला। छोले मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई भी ब्रांड का आप चना मसाला या छोला मसाला आप इसमें डाल सकते हैं। गरम मसाला अभी हमने इसमें नहीं यूज़ किया है, वो हम आखिर में डालेंगे। हमें हमारे मसालों को इतना भूनना है कि उसमें से तेल छूट जाए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, साथ ही टमाटर भी हमारे गल गए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चने जो कि हमने भिगो के रखे थे। अब ये चने जो है इन्हीं मसालों में अच्छे से धीमी आंच पे, पहले तेज़ आंच पे फिर धीमी आंच पे दम पे ये पकेंगे। हमें अच्छे से हमारे चनों को मसालों के साथ मिला लेना है। तकरीबन 3 से 5 मिनट तक हमें इस चीज़ को धीमी आंच पे करना है ताकि हमारे मसाले और चने अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। ये दोनों चीज़ डालने के बाद हम फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों इस स्टेज पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपको इस रेसिपी को थोड़ा जल्दी बनाना है, आपके यहाँ कोई मेहमान आ गए हैं, आपके चने भीगे हैं और आप इसे जल्दी तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसमें आधी छोटी चम्मच जो है मीठा सोडा डाल दें, उससे आपके चने जल्दी गल जाएंगे। हमने यहाँ पर ऐड किया है पानी, पानी मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 ग्लास लिया हुआ है। हम जो है पानी अकॉर्डिंगली लेंगे कि हमारे जो चने हैं वो पूरी तरीके से पानी में भीग जाएं। अगर पानी कम रहेगा तो चने नीचे से जल जाएंगे, और अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो बहुत ही फ्लोई कंसिस्टेंसी की ग्रेवी बनेगी जो हमें नहीं चाहिए। हम सेमी ग्रेवी रखेंगे इसकी। और ये स्टेज पे अगर आपको सोडा ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, हम यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं। और अब हम जो है इसको 5 से 6 विजल आने तक इसको हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और उसके बाद 20 से 25 मिनट हम इसे दम पे रखेंगे, स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स हमें इसके कुकिंग टाइम लगती है। और ये देखिए हमारे बेहतरीन से छोले जो हैं गल के अच्छे पक के तैयार हो गए हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीना जो है ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और हमारे छोले बिल्कुल डिश आउट होने के लिए रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमने हमारी डिश में निकाल लिया है। अब हम ऊपर से जो है थोड़ा ज़ीरा डालेंगे, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, और साथ ही हाफ लेमन उस पर स्क्वीज़ करेंगे। चटपटा टैंगी सा छोला मसाला तैयार है, जो कि हम पूरियों के साथ सर्व कर रहे हैं। आप भी बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।